हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नया गाड़ी और एक नया दिन आप लोगों को दिखाने के लिए चले आए हैं। ये एक नया है मारुति सुजुकी का, कौन सा मॉडल है? ब्रेजा। ब्रेजा ZXi सेकेंड टॉप है गाड़ी। कुछ देखने में इस टाइप का है, दो कैमरा है आगे पीछे। अच्छा रुकिए ना थोड़ा भैया, आप इधर से देखते चला जाओ, बताते चलिए, ठीक है? और ये कुछ देखिए, इस टाइप का अलॉय रिंग है इसका, और आगे से इसमें LED लाइट दिया हुआ है, फॉग लाइट नहीं दिया है। आगे से ये कुछ इस टाइप का लुक है थोड़ा सा, और कुछ इधर भी LED है, इधर कुछ फॉग नहीं है। और ये देखिए अलॉय दे रहा है, कंपनी फिटेड अलॉय का भी डिज़ाइन कुछ अच्छा है। साइड अच्छा है, साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का है, इसके ऊपर अंदर रूफ भी है, ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखिए, जमीन से कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस में है। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, देखिए आपको यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस बहुत है, स्कॉर्पियो इतना है डिस्टेंस इसका ना है। हाँ, अंदर का कुछ इस प्रोफाइल, उधर से आप उधर आइए ना। हाँ, अंदर से कुछ इस टाइप का है। स्टेयरिंग स्टेयरिंग कुछ स्टेयरिंग है इस टाइप का कुछ। डिस्प्ले डिस्प्ले कहाँ से ऑन होगा? डिस्प्ले ऑन होगा यहाँ से, मीटर पर गाड़ी करता। ये गाड़ी भाई मैनुअल है, ठीक है, जिसको ना पता हो देख ले, गाड़ी मैनुअल है। और न्यूट्रल कर रहे हैं, छोड़िए एक मिनट, भैया न्यूट्रल कर रहे हैं तब तक। ये देखिए AC का कुछ इस टाइप का लुक है, और ये कुछ ये टाइमिंग वगैरह का है, डिस्प्ले न्यूट्रल स्टार्ट, हैंड ब्रेक लगा दिए हैं। और कुछ रूफ का भाई मजा लिया जाए, ये देखिए रूफ रूफ चल क्या नहीं रहा भाई, एक मिनट थोड़ा सा हम बताते दिखाते भाई लोग। देखो इस टाइप से गाइस, गाड़ी चालू होने के बाद कुछ प्रोफाइल है इसका। टॉप स्पीड 120 है, इसके अंदर टाइमिंग वगैरह भी दिखाता है, माइलेज भी दिखाता है, पेट्रोल का। और एयर बैग है इसमें, एयर बैग भी है, और डिस्प्ले कुछ इस टाइप का है। और इधर देखिए AC वगैरह, कंप्रेसर है। और ये देखिए रूफ का रहा आनंद, इस टाइप का भाई रूफ कुछ खुलता है, एक आदमी निकल सकता है। निकल के दिखाते हैं मेरे भैया, पूरा एक आदमी कंफर्ट, पूरा कंफर्ट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन निकलने का एक आदमी अच्छा खासा जगह है, बंद कर देते हैं, देख रहे हैं कितना आराम से स्मूथली बंद हो जा रहा है। और AC भी अच्छा खासा कूलिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कम कूलिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया कूल कर रहा है। और कुछ और पीछे कितना गियर का है भाई? पांच गियर। कितना सिलेंडर का गाड़ी है? चार सिलेंडर गाड़ी, 1400 cc। माइलेज कितना दे देता होगा? माइलेज देता है 16-17-18। मेंटेनेंस कितना है चार्जेस का? कहता है 22-23 में 20 का है। पीछे भी देख लीजिए इसका, 20 का है पीछे साइड। इसका डिक्की देखिए ना भाई, थोड़ा खोलिएगा भाई, भाई नहीं खुल रहा। एक मिनट ये देखिए पीछे का भी कुछ अच्छा खासा इस टाइप का कॉम्फर्ट है। और इधर बैठने के बाद भी लगता है हमको कि कुछ डिस्टेंस अच्छा इतना है, अगर दूर सफ़र भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीट है हल्का पीछे भी आ सकते हैं। और सकता है इसमें टूट जाता है, ये सब टूट जाता है, इसमें सो सकता है चार आदमी। यहाँ देखिए यहाँ पे भी AC दिया है, कप होल्डर दिया है, साइड में बोतल वगैरह रखने का सुविधा है, पावर विंडो है,
पावर लॉक है, चार्जर भी दिया है, यूएसबी सपोर्ट, चार्जर भी दिया है। यहाँ पे 120 वाट का, ये देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, 120 वाट का चार्जर भी दिया है। फ्लश ऑन करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए अंदर अंदर कुछ इस टाइप का अंदर का फैसिलिटी है। और बीच में यहाँ पे भी कप होल्डर एक दिया है, कुछ इस टाइप का कप होल्डर भी है, ये आदमी आराम से बैठ के पानी वगैरह जूस वूस पी सकता है और अच्छा खासा कंफर्ट है। चलिए पीछे देखते हैं और बताते हैं इसके बारे में। पीछे का कुछ इस टाइप का प्रोफाइल है ये ब्रीजा, ये देखिए स्मार्ट हाइब्रिड का, ये देखिए पीछे कुछ डिक्की का स्पेस है ये, यहाँ के एक्स्ट्रा वो टायर जो दिया जाता है वो स्टेपनी ये हो गया, जो वो दिया है यहाँ पे लगाने के लिए, हाँ गर्दन को आराम देने के लिए, गर्दन में लैंड हो जाएगा। कुछ इस टाइप का प्रोफाइल था ये नया वाला ब्रीजा है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी है। और इस टाइप का अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम और भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, और जैसा हो सकेगा दिखाते रहेंगे।